हेलो एवरीवन, दिस दिस साइड डॉक्टर डोमेश मगेंद्र और आज मैं हूँ साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ। और आज हम इनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि अभी तक की उनकी जर्नी विद साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसी रही और क्या ये यूनिवर्सिटी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कम्फर्टेबल हो सकती है और क्या उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं कोशिश करूँगा इनसे क्वेश्चन पूछ के वो सारे आंसर आपको मिल पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन फ्रॉम यू। मेरा नाम राजवीर गुप्ता है और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश हूँ। आप? माय नेम इज अभिषेक आनंद, आई एम फ्रॉम बिहार इंडिया। ओके, राजवीर और अभिषेक, अभी तक की साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की जर्नी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो पे। यहाँ के सबसे पहले तो हम जो यूट्यूब पे देख के आए थे कि एनाटॉमी म्यूजियम बहुत अच्छा है, तो सच में यहाँ पर आए तो हर एक प्रैक्टिकल, हर एक टॉपिक जो भी चीज़ किया जाता है वो ओरिजिनल बॉडी पे कराते हैं, तो उसमें तो मज़ा ही आ जाता है। दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, वह भी बहुत अमेजिंग है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बिल्डिंग है। और तीसरी बात जो प्रोफेसर्स के हैं वो काफ़ी फ्रेंडली और सारे इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। ओके, कई बार होता है ना कि रशिया का नाम सुनते ही कई पेरेंट्स के मन में डाउट होता है कि वो प्रॉपर इंग्लिश बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे, उनकी जो एजुकेशन है वो उस लेवल पे होगी कि नहीं होगी। और दूसरी चीज़, साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसा टॉप थर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशियन फेडरेशन है, तो क्या आपको लगता है अभी तक एक्सपीरियंस है कि सच में ये यूनिवर्सिटी उस रैंक को बिलोंग करती है? राजवीर आप बताइए। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि थर्ड रैंक पे, तो हाँ करती है, क्योंकि जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं उनकी प्रोफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। ओके। और क्योंकि मैंने यहाँ पे आने से पहले क्रॉस क्वेश्चन भी किया था बहुत सारे कंसल्टेंट से, या और पता भी करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं दो लैंग्वेज में पढ़ाती हैं, तो मे बी उन प्रोफेसर्स की स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल उतनी अच्छी ना हो। Okay. तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे पता किया, तो यहाँ पे सिंगल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है होल फॉर सिक्स ईयर, तो अच्छी थी। और आने के बाद भी मुझे प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे मिले हैं, कॉन्वर्सेशन में कुछ दिक्कत नहीं होती है। ओके, अभी एग्जाम्स वगैरह आप लोग के कुछ हुए हैं यहाँ पर? हाँ, सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हमारे अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए। कौन कौन से एग्ज़ाम्स हो चुके हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं। ओके। और पहले तो होता है कि डेली का डेली एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आज हम एनाटॉमी का पढ़े तो कल वो हमें डेड बॉडी पे ले जाते हैं, लेजर लाइट हाथ में देते हैं कि वो बताते हैं कि अच्छे से ये मसल्स एक्सप्लेन करो, जैसे ग्लूटियल मसल्स हो गए, जो भी मसल्स आता है, और डेली का डेली होता है। उसके बाद की सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, जैसे अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ तो फर्स्ट सेमेस्टर का सारे सब्जेक्ट के एग्जाम हुए। ओके, तो यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो पर्टिकुलर डेली बेसिस पे क्लासेस भी, लाइक क्लास टेस्ट भी लिया जा रहा है, क्लास टेस्ट के अलावा लाइक वो आपको पहले से एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देते हैं और पर्टिकुलर टॉपिक पे लाइक टेस्ट ले रहे हैं ना वो? हाँ, सारे सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि सारे सब्जेक्ट में टेस्ट ले रहे हैं, जैसे कि मेड बायोम हो गए और एनाटॉमिक हो गए, सारे सब्जेक्ट के डेली का डेली टेस्ट होता है और उसके बाद सेमेस्टर वाइज भी टेस्ट होता है। अच्छा, इन केस आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप दो तीन बार अगर टीचर से अपने प्रोफेसर से पूछते हो, क्या वो एक्सप्लेन करते हैं? हाँ, वो एक्स्ट्रा क्लास, जैसे कि केमिस्ट्री का हो गया, कोई राजवीर को कुछ प्रॉब्लम था तो उनको एक्स्ट्रा में पढ़ाते हैं राजवीर। हाँ, जैसे कि अभी मुझे केमिस्ट्री में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो मेरी हर वेंसडे को मेरी क्लासेज होती हैं। उसका कुछ अलग से आप पे करते हैं? नहीं, कुछ भी अलग से नहीं, मैंने प्रोफेसर से कहा कि मुझे नहीं आता समझ, तो कुछ आप हेल्प कर सकते हो, तो उन्होंने खुद सामने से ऑफर किया कि आप आ जाओ, हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं। तो टीचर्स उस चीज़ में आगे रहकर अपने लाइक आपको जितना हेल्प कर सके वो करते हैं। यहाँ पर वो उस तरीके से नहीं है कि आपने आप लाइक प्रोफेसर एक बार उन्होंने पढ़ा दिया आपको समझ आया नहीं आया, उस तरीके से यहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं होता। ओके, तो एक्स्ट्रा क्लास का एक्सपीरियंस आपका अच्छा है अभी तक का? एक्स्ट्रा क्लास का भी अच्छा है, और जैसे कि अभी एनाटॉमी में भी एक बार हमको प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा पहले स्पीड अप कर दिया गया था, तो हमने कहा कि मैम हमें नहीं समझ आया। ओके, तो उन्होंने फिर उस टॉपिक को एक बार और पढ़ाया, तो ये भी अच्छी बात है कि नहीं समझ आता है और हम कुछ कहें तो सुनते हैं प्रोफेसर यहाँ पे। सो दिस इज द बेस्ट थिंग एज आई कैन से कि किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को इतना डेडिकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आने वाले लाइक जनरेशंस के लिए एक डॉक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। और आज के डेट में अगर वो फर्स्ट ईयर से ही डॉक्टर्स अच्छे नहीं देंगे हमारे लाइक इस लाइक अपनी कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने वर्ल्ड के लिए,
तो आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है। तो कभी भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते टाइम ये भी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि आपके प्रोफेसर्स वहाँ आने वाले जो प्रोफेसर्स अलग जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाने वाले हैं वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो कैसे हैं। सो अभिषेक आप मुझे बताइए हॉस्टल और यूनिवर्सिटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, क्लासेस का जो टाइमिंग है वो कैसा होता है, क्या आपको यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट लाइक बस वगैरह लेके जाना पड़ता है या फिर आप डिस्टेंस मैक्सिमम टाइम तो हम पैदल ही जाते हैं क्योंकि 10 मिनट से 15 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट वैसे 10 मिनट ही लगता है। और एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कभी कभार जाना होता है तो उसमें अब हमारा कभी कभी ब्रेक 2 घंटे का भी होता है, कभी कभी 1 घंटे का, कभी कभी आधे घंटे का भी होता है। तो आधे घंटे का जब ब्रेक होता है तो हम बस से चले जाते हैं, वह 27 रूबल में हो जाता है। और यहाँ पर मैस वगैरह की फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मन में पहली चीज़ आती है, क्योंकि जब आप आए थे, जब आपके पापा से मेरी बात चल रही थी तो यहाँ पर उस टाइम पे मैस अवेलेबल नहीं था, बट हमने प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पर मैस की फैसिलिटी देंगे ताकि फर्स्ट ईयर का जो हैक्टिक शेड्यूल होता है उससे बचा जा सके, क्योंकि हमने लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हमारे आए हुए थे लाइक जो अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी उनको प्रॉब्लम हुई थी लाइक 10-11 बजे तक रात तक खाना बना रहे हैं, फिर उसके बाद खाना खा रहे हैं और रात के 2 बज जाते थे, फिर उसके बाद सुबह 8 बजे की क्लासेस होती थी। अभी आपको मैथ्स की फैसिलिटी मिल रही है, टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अभी उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? मैथ्स तो इंडियन मैथ्स हमें जैसा सर बोले थे वैसा इंडियन मैथ्स प्रोवाइड किया जा रहा है और खाना वगैरह बहुत अच्छा है, घर के जैसा खाना मिलता है, जैसे 4 टाइम मिलता है, सुबह में चाय बिस्किट मिलता है, नाश्ता मिलता है, फिर लंच मिलता है, फिर रात में डिनर मिलता है, तो खाना बहुत ही अच्छा है, हमें तो पसंद आया। और सब वैरायटी का खाना बनाते हैं भैया, जैसे कि हमारे बिहार के भी खाना बनाते हैं, राजस्थान के भी, वह दाल बाटी चूरमा बना देते हैं, कभी वह MP के भी मिक्स करते हैं, कभी वो गुजरात का टेस्ट भी देते हैं, जैसे दाल बनाते हैं तो जितने स्टूडेंट्स हैं सबको बैलेंस करके वो चल रहा है। आपके इंडियंस हैं यहाँ पर, आपको दोनों भैया राजवीर, आप और अभिषेक आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा क्या आने वाले स्टूडेंट्स को आप ये यूनिवर्सिटी सजेस्ट करना चाहोगे, अगर करना चाहते हो तो वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे स्टूडेंट्स लाइक साइबर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में सोच सके? सबसे पहले तो हम इस बेसिस पे करेंगे कि अगर एनाटॉमी बायो हमारा जो हम मेडिसिन चूज करते हैं तो मेनली एनाटॉमी के कारण, यहाँ का एनाटॉमी म्यूजियम सबसे बेस्ट है और यह कॉलेज 3rd नंबर पे आता है रशिया में, और यहाँ के आने के बाद पता चलता है कि हाँ किस लिए हम ये कॉलेज को चूज़ किए थे और सच में ऐसा एक्सपीरियंस है हमारा। दूसरा कि यहाँ के टीचर काफ़ी फ्रेंडली है, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कराते हैं, जैसे कि हमारे एनाटॉमी के टीचर ले गए थे, हम स्केटिंग पे ले गए थे, हिस्ट्री ऑफ रशिया के टीचर हमें म्यूजियम घुमाने ले जाते हैं, तो ऐसा एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे कि इंडियन बच्चे कम है तो थोड़ा मज़ा थोड़ा ज़्यादा आता है। ओके राजवीर, आप अपना एक्सपीरियंस। जैसे कि अभिषेक ने पहले ही मेंशन कर दिया है एनाटॉमी म्यूजियम के बारे में, तो इन सब की पॉइंट से हट के हम बात करें यहाँ के, जैसे इस बजट में हम कोई भी यूनिवर्सिटी लेते हैं तो आपको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी इस बजट में, आपको आप बहुत ही मतलब इसके बाद 15 से 20 लाख रुपए बढ़ाते हैं तो इस रैंक की यूनिवर्सिटी आपको शायद मिल सकती है। हाँ। बाकी बजट को भी हटा दे तो लास्ट में वही आ जाता है कि प्रोफेसर्स आपके साथ कैसे हैं, कैसे आपके साथ रहते हैं, सपोर्ट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि हम किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो रेसिज्म का बहुत ही ज़्यादा कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ। तो यहाँ पर वैसा कुछ देखा नहीं है, और क्योंकि ये टॉम सिटी, इसे स्टूडेंट सिटी भी कहा जाता है बहुत, क्योंकि हर 7 में से 1 बच्चा स्टूडेंट ही है। ओके। तो हमें यहाँ पे कुछ अच्छे की पॉइंट भी मिले कि जैसे कहीं शॉपिंग करने जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो एक फ़ायदे वाला हो जाता है कि स्टूडेंट के हिसाब से हमको मिल जाता है, ग्रोसरीज या डिस्काउंट्स भी हैं, तो ये सब कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जो मैंने मेंशन किया।